हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और हाजिर हुई हूँ आप सभी के बीच एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के अंतर्गत बम्पर नंबर की सीट, मतलब टोटल 40,000 के अप्रोक्स सीट्स के लिए वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द हम सभी के बीच। इसमें टोटल 23 प्रकार के पोस्ट होंगे। 10th, 12th एंड ग्रेजुएट सभी के लिए मौका है। इसमें ग्रुप सी का पोस्ट रहेगा। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। और अगर इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है, तो मैंने अपलोड कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया। आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग देख लेते हैं पोस्ट की डिटेल्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले ही बता दिया है कि EMRS में वेरियस पोस्ट के ऊपर नई वैकेंसी आने वाली है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ये स्कूल होता क्या है, पहली बात तो ये बता दूं। देखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ऑल इंडिया में इसके ब्रांचेज है। टोटल आपका क्या है, 740 EMRS स्कूल है, ठीक है। अब ये 740 EMRS स्कूल है तो इसमें किन बच्चों को पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स देखिए, जो SC ST कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर SC ST बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर अच्छी शिक्षा देने के लिए इस स्कूल का निर्माण किया गया है। तो अभी फिलहाल जो हमारा लोकसभा है, उसमें ट्राइबल मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा गया था कि EMRS के अंतर्गत कितना पोस्ट खाली है। तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि टोटल आपका 38,480, टोटल जो आपका 740 स्कूल है उसके अंदर वैकेंसी खाली है। 23 प्रकार के पोस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए बता देती हूँ कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कितना कितना सीट है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है। तो टोटल प्रिंसिपल के लिए 740 आपका यहाँ पर सीट है। वाइस प्रिंसिपल भी एक होता है, तो 740 उसके लिए भी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 12 सीट खाली है, 8,880 पोस्ट। सेम टू सेम आपका TGT के लिए 12 आपका यहाँ पर, मतलब हर जो EMRS स्कूल है 740 है, उसमें कितना एक स्कूल में कितना खाली है, 12 सीट खाली है। तो टोटल पूरा जो 740 स्कूल है उसमें 8,880 पोस्ट खाली है, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरियन के लिए 740 है, म्यूजिक टीचर के लिए भी 740 है, जो आर्ट के टीचर होते हैं उनके लिए भी 740 है। फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी आप लोग जानते हैं स्कूल में PT कराया जाता है, जो एक्सरसाइज वगैरह जो टीचर कराते हैं, उनके लिए हर स्कूल में 2 वैकेंसी रहेगा, 1480 सीट्स उनके लिए है। हॉस्टल वार्डन का 2 सीट है, 1480 उनके लिए भी रहेगा। देखिए, स्टाफ नर्स का हर स्कूल में एक स्टाफ नर्स तो होगी, 740 यहाँ पर उनके लिए। अकाउंटेंट भी पर स्कूल 1 रहेंगे, 740। कैटरिंग असिस्टेंट का आपको 740 है। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 740 है, पर स्कूल 1 वैकेंसी रहेगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 2 पोस्ट है, 1480 उसके लिए रहेगा। अब उसके बाद स्कूल में कुक भी होता है, तो उसके लिए भी 740 पोस्ट है। ड्राइवर की पोस्ट है, 740 रहेगा। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का 740। और आगे देख लेते हैं, लैब अटेंडेंट का आपको 740 रहेगा। मेस हेल्पर हर स्कूल में 2 होगा, 1 कुक होगा और 2 उसके हेल्पर होंगे, 1480। चौकीदार भी रहेगा स्कूल में, 1480 चौकीदार के लिए है, क्योंकि हर स्कूल में 2 चौकीदार रहेगा। काउंसलर के लिए 1 पोस्ट है, 740 रहेगा टोटल। स्वीपर का हर स्कूल में 3 स्वीपर रहेगा, 2220 सीट रहेगा। गार्डेनर भी 1 रहेगा, 740। मतलब टोटल देखें कि ईच पोस्ट, मतलब हर EMRS स्कूल के लिए कितना है, एक स्कूल के लिए 52, तो टोटल आपका 740 है, तो 38,480। ये डेटा आपको लोकसभा में आपको प्रस्तुत किया गया था ट्राइबल मिनिस्टर के द्वारा, जिससे आपको पता चलता है पिछले साल वैकेंसी आई थी, तो ऐसे ही मार्च के समय में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, सेम उसी तरह से अभी भी मार्च में आया है। तो इससे क्या पता चलता है हमारी वैकेंसी कब अप्लाई होगी।
फ्रेंड्स आपको याद होगा कि पिछले साल जून जुलाई में आ गई थी हमारी फॉर्म, तो सेम उसी प्रकार से अभी आपका मार्च में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आपका जो ऑनलाइन होगा जून जुलाई में होगा। अब रही बात की एज का लिमिट क्या है, आपने देखा है टोटल 23 प्रकार का पोस्ट है, तो पोस्ट वाइज आपका 18 वर्ष से 45 वर्ष रहेगा एज का लिमिट। अब क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए फ्रेंड्स सिंपली जो मोस्ट ऑफ द पोस्ट होंगे उसके लिए 10th 12th एंड ग्रेजुएट्स तीनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। लेकिन अब जैसा आपने देखा है कि PGT है, TGT है, लाइब्रेरियन, तो जिनका जो पोस्ट रहेगा उसके रिगार्डिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। तो ये आप कैसे समझेंगे कि किस पोस्ट का क्या डिमांड है, इसके लिए मैं एक PDF अभी पोस्ट की हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आगे बात करें कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, फ्रेंड्स सिलेक्शन इसके लिए बहुत आसान होता है, सिंगल स्टेज एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका क्या होता है सिंपली एक DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दी जाएगी। तो बहुत ही आसान है, पहले ही बता चुकी हूँ कि वैकेंसी स्टेट वाइज आएगा, और हाँ फ्रेंड्स ये भी बताया गया कि किस स्टेट के लिए कितना कितना सीट रहेगा, सारा आपको उसी PDF में जानकारी है, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। अब रही बात की सैलरी क्या मिलेगी, पता है कि टोटल 23 प्रकार के पोस्ट है, तो अलग अलग स्टेज के यहाँ पर सैलरी भी मिलेगा, लेवल 1 से लेके हायर सैलरी जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको जो यहाँ पर सैलरी मिलेगा 29,100 मिनिमम सैलरी है, हायर पोस्ट के लिए जैसे जैसे इंक्रीमेंट वगैरह होता है 1,12,400 रुपया तक आपको सैलरी मिलती है। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, देख पा रहे हैं आपकी 40,000 के करीब सीट है, इस साल अगर आप अपना एक सीट अचीव करना चाहते हो तो इसका PDF के थ्रू जो सिलेबस वगैरह है वो डाउनलोड करके और तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लीजिए, तभी आप यहाँ पर सक्सेस मतलब आपको मिल पाएगा। आई होप कि सारा कुछ आप समझ गए होंगे, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि सारी नई जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।